नमस्कार स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। रसायन विज्ञान का सेकेंड सेशन है ये, जो कि पॉलिटेक्निक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आमतौर पर बैटरियों में संग्रहित एसिड होता है। ऑप्शन है, ऑप्शन क है एसिटिक एसिड, ऑप्शन ख है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन ग है सल्फ्यूरिक एसिड व ऑप्शन घ है नाइट्रिक एसिड। तो सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो, न्यूक्लियोन है, ऑप्शन दिया है ऑप्शन क है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन ख है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ग है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन व ऑप्शन घ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका सही उत्तर होगा न्यूक्लियॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन दिया है ऑप्शन क है पोटेशियम ऑक्साइड, ख है सोडियम बेंजोएट, ग है मैग्नीशियम क्लोराइड व ऑप्शन घ है सोडियम क्लोराइड। इसका सही उत्तर होगा सोडियम बेंजोएट, यानी कि ऑप्शन नंबर ख पदार्थों में संरक्षित करने के लिए यूज किया जाता है ताकि वो खराब ना हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ख सोडियम बेंजोएट सही उत्तर होगा। NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl, पोटेशियम ऑक्साइड होता है K2O। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार, निम्न में से कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन दिया है ऑप्शन क है प्रोपेन, ऑप्शन ख है मीथेन, ऑप्शन ग है इथेन व ऑप्शन ख है ब्यूटेन। इसका सही उत्तर होगा ब्यूटेन यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर घ ब्यूटेन प्रयोग किया जाता है सिगरेट लाइटर में। प्रोपेन, प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8, मीथेन CH4, इथेन होता है C2H6 व ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। इसका सही उत्तर होगा ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पांच, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन दिया है ऑप्शन क है डोबे रेनर ने, ऑप्शन ख है मेंडलीफ ने, ऑप्शन ग है न्यूलैंड ने व ऑप्शन घ है लोयर मेयर ने। इसका सही उत्तर होगा न्यूलैंड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छह, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब बनाता है, क्या बनाता है। ऑप्शन दिया है ऑप्शन क है ऋणात्मक हीलियम आयन, ऑप्शन ख है धनात्मक हीलियम आयन, ऑप्शन ग है प्रोटॉन व ऑप्शन घ है अल्फा कण। इसका सही उत्तर होगा अल्फा कण बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है। ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन का, सिलिकॉन का, मैग्नीशियम का या आयरन का। इसका सही उत्तर होगा सिलिकॉन का, पृथ्वी की संरचना में सिलिकॉन का अधिकतम प्रतिशत में योगदान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आठ, समुद्र के पानी से शुद्ध पानी प्राप्त किया जा सकता है किसके द्वारा, किस विधि द्वारा। ऑप्शन दिया है ऑप्शन क है अपकेंद्रीकरण द्वारा, ऑप्शन ख है अवसादन द्वारा, ऑप्शन ग है विपरीत परासरण द्वारा व ऑप्शन घ है जीवद्रव्य कुंजन द्वारा। इसका सही उत्तर होगा अपकेंद्रीकरण द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर क सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, पॉजिट्रॉन का भार निम्न में से किसके बराबर है। ऑप्शन दिया है ऑप्शन क है अल्फा कण के बराबर, ऑप्शन ख है न्यूट्रॉन के बराबर, ऑप्शन ग है प्रोटॉन के बराबर व ऑप्शन घ है इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसका सही उत्तर होगा प्रोटॉन के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ग सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दस, कौन से यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। ऑप्शन दिया है ऑप्शन क है हैलोजन युक्त यौगिक, ऑप्शन ख है लुईस प्रतीक, ऑप्शन ग है इलेक्ट्रॉन योग, ऑप्शन घ है संयोजकता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क हैलोजन युक्त यौगिक,
पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीक भाषा में ग्लाइकोज का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दिया है तीखापन, ऑप्शन ख है मीठा, ऑप्शन ग है कड़वा, व ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा मीठा। ग्रीक भाषा में ग्लाइकोज का अर्थ मीठा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक परमाणु क्रिया निम्न में से किसके संदर्भ में संतुलित होनी चाहिए? ऑप्शन दिया है ऑप्शन क है ऊर्जा के, ऑप्शन ख है द्रव्यमान, ऑप्शन ग है द्रव्यमान तथा ऊर्जा, व ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, द्रव्यमान तथा ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, गामा किरणें की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिया है ऑप्शन क है चैडविक ने, ऑप्शन क है चैडविक ने, ऑप्शन ख है रदरफोर्ड, ऑप्शन ग है फेराडे, वह ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा गामा किरणों की खोज ऑप्शन नंबर घ, इनमें से कोई नहीं। गामा किरणों की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन दिया है ऑप्शन क है अजैक्लिक अम्ल, ऑप्शन ख है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन ग है दोनों, व ऑप्शन घ है लैक्टिक एसिड। इसका सही उत्तर होगा दही में लैक्टिक एसिड, दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर घ, दूध और दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अजैक्लिक एसिड जैसे पालक टमाटर आदि में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड आंवले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है परमाणु ऊर्जा निम्न में से किसके रूपांतरण पर आधारित है? ऑप्शन दिया है प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में, ऑप्शन ख है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, ऑप्शन ग है द्रव्यमान की ऊर्जा में, वह ऑप्शन घ है यूरेनियम का रेडियम में। इसका सही उत्तर होगा द्रव्यमान की ऊर्जा में, परमाणु ऊर्जा द्रव्यमान के ऊर्जा में रूपांतरण पर आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन दिया है ऑप्शन क है मेंडलिफ ने, ऑप्शन ख है न्यूलैंड ने, ऑप्शन ग है रदरफोर्ड ने, ऑप्शन घ है डोबे रेनर ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, डोबे रेनर ने त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया था, ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर होगा। मेंडलिफ आधुनिक आवर्त सारणी रदरफोर्ड पोट्रान का खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है? ऑप्शन दिया है न्यूनतम ताप, ऑप्शन ख है ज्वलन ताप, ऑप्शन ग है ज्वलनशील, व ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ज्वलन ताप कहते हैं, जिस ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं, ऑप्शन नंबर ख हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन दिया है ऑप्शन क है ब्रोमीन, ऑप्शन ख है तांबा, ऑप्शन ग है एल्युमिनियम, व ऑप्शन घ है पारा। इसका सही उत्तर होगा ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन दिया है ऑप्शन क है मेंडलीफ, ऑप्शन ख है डाल्टन, ऑप्शन ग है मोजले, व ऑप्शन घ है एवोगाड्रो। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है मेंडलीफ ने, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक मेंडलीफ है। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया है ऑप्शन क है ईस्ट, ऑप्शन ख है किण्वन, ऑप्शन ग है जीवाणु, व ऑप्शन घ है लैक्टोबैसिलस। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया किण्वन कहलाती है, फर्मेंट हो जाता है,
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए यहीं पे क्लास समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।